1 2 3 कैसे लग रहे हैं? और ये मुन्ना है, हम देखे इसका चाय वाला बिस्किट और जीरा प्लस तो पाकिस्तान खाया हुआ मैंने। जोक पुराने जोक्स बोलते हैं जिससे पिटा जोक। पापा जाद के नाक पे क्या हुआ? मैंने पंच मारा था बहुत जोर से, आप लोग को देखा नहीं था आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज का जो व्लॉग है वो कुछ दिन पुराना है, जब मोना आई हुई थी फिर हम उसे ड्रॉप करने गए। हमने मैचिंग क्लोथ पहने थे, उसकी पिक्चर्स देखें, और हाई टी जो कि हमने सारे पाकिस्तानी बिस्किट्स के साथ मोना के घर चाय पी थी। आप जाके वो व्लॉग देखें। फिर ज़ायरा के कुछ क्लिप हैं, तो डिफरेंट डेज के क्लिप्स हैं, और उसमें एक क्लिप मैं डिक्लटरिंग का लगा रही हूँ जो कि मेरे क्लोजेट का था। तो उसके लिए मैंने कार्गो की रिक्वेस्ट की है कि अगर किसी को पता है कि यहाँ पे जो कार्गो अभी कोविड के बाद शुरू हो गया है दोबारा या नहीं, टोरंटो से पाकिस्तान, तो उसके लिए प्लीज़ कॉमेंट करें। चलें वीडियो स्टार्ट करें यहाँ से। ये बिट एंड पीसेस में है, कभी हम उसामा के घर में हैं, कभी मोना के वहाँ पे हैं, कभी यहाँ पे हूँ मैं अपने घर में, कभी लाइबा के पास हूँ, तो डिफरेंट क्लिप्स हैं इसमें। तो चलें एंजॉय करें अपना व्लॉग ना। चलो करो, मैं गर्दन को पकड़ दूं। चलो, सो मच फन ज़रा, सो मच फन बाबा। चलो बस करो, बस चलो, बस बाबा कुछ शुरू हो जाए तो बस मोह मोह। चलो जाओ, याद आ गया नहीं? अच्छा कुछ और याद आ गया। चलो टैला बेबी भी सिक हो गई आज, फ्लू हो गया मेरे बेबी को। छोटे से बेबी को फ्लू हो गया मेरे बेबी को। फ्लू हो गया आई नो बेचारे। हम इसे लेबोरेटरी साथ ले गए थे, साथ तो नहीं, जैद बाहर खड़े थे। मेरा ब्लड टेस्ट डॉक्टर का कल आया था कि रिक्वेजिशन से आप अपना ब्लड टेस्ट लेके जाएं यहाँ से ऑफिस से। सो वो लिया, वो फास्टिंग होता है आपको बता, तो वो सुबह किया। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी स्वेलिंग बैक होगी एज सुन एज वो जो मुझे हुआ था उस दिन प्रॉब्लम, उसके 2 दिन बाद से ये जो स्वेलिंग होनी शुरू हुई है रुकी नहीं। एक साइड पे बहुत ज़्यादा, एक साइड पे कम है। तो अगर आपके घर में भी किसी को इस तरह ब्लड प्रेशर के साथ स्वेलिंग होती है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या रीज़न उनका डायग्नोज हुआ। और मुझे पता है कि अब मैं खूब सारा पानी पीऊँगी। ग्रीन स्मूदीज़ वगैरह ने लास्ट टाइम मेरी बहुत हेल्प की थी ना इसमें, तो अब आज से वो भी शुरू करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट किए मामी या। चलिए मैं ज़ायरा को देखती हूं। ओ या बेचारी की आवाज़ ही ख़राब हो गई है, तो उसको मोना ने की। मोना ने कल मेहंदी भी लगाई थी उसके, पर हम थक गए ब्लॉग कर करके, तो हमने कुछ नहीं ब्लॉग किया। चले यहाँ पे देखें, अगर आपने वेडिंग ब्लॉग नहीं देखा, सब कोई मिले थे हमें वहाँ पे, बहुत सारे लोग भी, और बहुत मज़ा रहा। लेकिन आज हम कहाँ आए हुए हैं आप डिफरेंट जगह पे देख रहे होंगे हमें। सो ये स्वेटर्स हैं जो मैंने और मोना ने लिए थे, और इसके साथ ब्लैक जीन्स। और आपको पाँव मेरे देखें कितने स्वेलिंग हुए हैं, ये पाँव बिल्कुल ठीक है, और इस पाँव पे देखें कितनी ज़्यादा स्वेलिंग। ये है मेरा आजकल हाल। बीमार बैठ के आपको कितनी वीडियो दिखाएंगे कि हम तो रोज़ ही हॉस्पिटल जा रहे हैं, रोज़ भी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो दवाइयाँ खाते हैं और ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। और ये आ गई मोना। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें मैचिंग कैसे लग रहे हैं हम। और ये मोना है हम, क्योंकि आपको पता है मेरा एक होता है, हर दफ़ा जब भी मैं बहनों के पास जाती हूँ ना तो मुझे होता है एक जैसी कोई चीज़ लेना। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत। तो हम दोनों ने ये एक्चुअली मोना ने बताया कि यहाँ के मॉल्स में आपको पता है कि ढूंढना बहुत मुश्किल है, हमने रंगी पतंगी चीज़ें तो बहुत हैं, तो ये भी हम लोगों ने लिया। लेकिन अच्छा ये एक्चुअली लाइबा ने पसंद किया था। हाँ एक्चुअली उसने देखा, हालांकि इसमें पिंक कलर और भी कलर्स अच्छे थे। वो कह रही सब एक एक रंग के सारे लें, एक ही जैसे। लाइबा का यही होता है, आपको पता है। लाइबा को एक शर्ट पसंद आई वही कर ले रही थी। खैर ये हमें दोनों को लाइबा ने लेके दी थी। लेकिन चले अब हम करेंगे, पिक्चर खींचेंगे और देखेंगे आपको दिखा सकेंगे कि नहीं। सही कॉमेंट करके बताएं कि हमारे स्वेटर्स कैसे लग रहे हैं। दिख रहे हैं स्वेटर्स ना, चलो आपको भी दिखा दें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। सैंडल्स तो घर के जो स्लीपर्स हैं वो पहने में, और हमने ब्लैक ये क्योंकि जाली है इसमें नेट है तो सी थ्रू है, तो हमने सारे अंदर शर्ट्स पहन लिए इसके और ब्लैक जीन्स और ब्लैक ट्राउजर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इस तरह की मैचिंग करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बताएं कि आप लोग क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, किस तरह के कोई आइडियाज दें जो कि हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करें। ये देखें आपको बिस्किट नहीं मिलता, चाय वाला बिस्किट, हाँ देखें इसका चाय वाला बिस्किट, और जीरा प्लस तो पाकिस्तान खाया हुआ मैंने, साल्टेश सारे पाकिस्तानी बिस्किट मोना ने इकट्ठे करके रखे हैं ग्लूको प्लस ताकि कमी नहीं नहीं इकबाल से लिए हैं, इकबाल से लिए हैं सारे। लेकिन लेकिन जीरा क्लिक तो हो गया ना, नहीं जीरा क्लिक दूसरा, हमने तो खिलाया नहीं आपको बिस्किट हमने तो बिस्किट खिलाया नहीं, मतलब इतने बिस्किट खाती खाए नहीं आपने। कौन से खा रहे थे घर में हम लोग, वो जो हाँ हाँ वो क्या नाम है जो जायरा खाती है, देखो इतने में पार्ले जी, क्योंकि जायरा वही खाती है ज्यादा और हम लोग वही अवेलेबल थे तो वही खाए थे। ये तमाम बिस्किट के नाम करो, अगर बिस्किट खाने तो ये वाले खा, ये लगता है कि ये। और ये देखिए पीछे एल्सा की तस्वीरें, और मैं क्या कहने वाली थी। और एक और चाय ज़बरदस्त किस्म की मोना बनाती है जो कि एवरीडे चाय से बनती है और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है उसकी, आप ज़रूर उसको ट्राई करें नहीं मोना हमेशा उसका कुछ ना कुछ उलट हो जाता, पहले प्लानिंग था नहीं तो ये वाली है ज़बरदस्त किस्म की चाय एवरीडे की, और इसके साथ खा रहे हैं हम चाय वाला के बिस्किट डिबो डिबो के, आप भी खा लेना। उसका नाम है, उसका वो नाम है जैद, ये देखिए मैंने दिखा भी दिया, गलत नहीं बोलती, बिस्किट भी उसके नाम के बनने लगे, चाय वाला बिस्किट नहीं वैसे ही बना दिया उन्होंने कहा लोग बस खरीदें और क्या। कैसे लगे आपको, तुम्हारी बॉडी जिम करना मांगती है अभी तो एंजियोग्राफी मांग, लेकिन तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी आत्मा जो है वो चने भटूरे मांग रही है के जोक्स तो पुराने जोक्स बोलते हैं, जिससे पिटा जोक्स बोलते हैं जो टिकटॉक पे सुनते हैं वो बोलते हैं। कम खाओ बिस्किट बिस्किट मीठा मीठा छोड़ो कौन बोल रहा है, खुद जिनको शुगर है खा रहे हैं भाई, शुगर देखो खुद को शुगर है और मीठे बिस्कुट खा रहे हैं, मुझे अल्लाह का शुक्र है शुगर है, साथ गोली खाता हूँ, जब गोली खा लो कभी कभार मीठा खा लो चलता है। आपको पता कई मरतबा तो बंदे को जबरदस्ती खाना पड़ता है मीठा, ये इस वजह से कि शुगर ज्यादा सुनते सुनते जाए हम आप। और मुझे लगता है आप लोगों के कमेंट्स थे कि पापा जायद के नाक पे क्या हुआ, मैंने पंच मारा था बहुत जोर से, आप लोगों को देखा नहीं था आपने, मैंने बताया मोना के सामने मारा था मैंने वीडियो में बताया, बल्कि लोगों ने भी ये समझो हमारी माँ की निशानी है। देखो जो मर्जी हो जाए, जब भी मुझे फ्लू होना है या मेरा नाक पकेगा या यहाँ से होंठ पक जाता है, बस ये हमारी अम्मी को बीबी को था, ये इनकी जनरेशन में जेनेटिक्स में। फिर कई लोग कहते हैं कि मैं उसको ना वाइप जैसे ज्यादा साफ करता हूँ, कम से कम भी करो तो भी होगा, तो भी जो है वो ये मुंह और नाक होंठ पकने हैं बस। चले हम पी रहे चाय, अल्लाह हाफिज़। कुकीज अब क्या जाए, अब इस झूम झूम पे जाए कुकीज लेने, झूम पे क्या जाए लेने के लिए कुकीज, जायरा की झूम झूम है, कैसे करती है जायरा, झूम 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 से झूम झूम। जायरा ये देखें क्या हो रहा है, आज मैंने पुराने डब्बे खोले थे और ये नेट का है एक्चुअली, और ये पहना भी नहीं है अभी तक, आप सोचें ये ड्रेस अभी तक पहना भी नहीं है, और इसकी पता नहीं अब इनके फैशन है कि नहीं है, कुछ लंबे कपड़ों के फैशन तो हैं, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इनको क्या करूं, रिसाइकिल करूं क्या करूं, पाकिस्तान क्योंकि इतना वज़न लेके जाना बहुत मुश्किल है। और ये लाइबा का वो ड्रेस है, आजकल लंबे ड्रेसों का तो फैशन चल रहा है मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ इनको रखूँ या नहीं रखूँ समझ से बाहर हो रहा। ये बहुत पुराने सूट हैं, लाइबा ने भी याद है फैमिली फ्रेंड की वो जो शादी थी उसमें पहने थे। आप ये कमेंट करके बताएं कि ये सूट चल रहे हैं कि नहीं चल रहा। ऑनेस्टली दिल तो करता है कि सारे लेके जाऊं वहाँ पे यूज़ में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से वेट ले जाते हुए एक मुश्किल हो जाती है उसको कैरी करने के लिए, क्योंकि अपना ज़रूरी सामान जो होता है वो फिर रह जाता है, इस तरह की चीज़ें ले जाने की हिम्मत नहीं होती बंदे की, क्या करें। चले कमेंट करें आप इसका कि कार्गो कंपनी का कमेंट करें कि जो यहाँ पे एक कार्गो कंपनी है उसका बताया मुझे लाजमी। देखें पैकिंग वगैरह वो करते हुए उसमें देखें ये ज़ाहिर है कि कपड़े नए अभी पहने भी नहीं, मैं लाई होंगी तो वो देखें उसमें रख दिए उसमें और पहनाए भी। चले गुड टू नो। ज़ाहिर है कि सामान कितना निकलता है, ये देखें ज़ाहिर सब इसको पहुँचाते हैं उधर।